पहले बिना वस्त्र के घूमता है छोटे बच्चे, धीरे से थोड़ा सा बड़ा हुआ हम कपड़ा पहना लेते हैं, और उसके बाद जब 17-18 साल के हो गए, शादी कर दिए, फिर बच्चे हो गया है ना, और उसके बाद 60-65 साल के हुए चले गए, लोग उसको डालेंगे। तो इसलिए है ना, आपको मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं, सब चीज की चाबी शिक्षा। हमारे समाज पिछड़ा हुआ क्यों? क्योंकि पहले हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ये बात जानते हैं, शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, और जब पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको अच्छा कोई कार्य नहीं मिलता था, कुछ दैनिक कार्य करते थे। लोहार है तो केवल लोहे का औजार बना रहा है, सुनार है तो केवल सोना चांदी के जेवर बना रहा है, मोची है तो दूसरा सिल करके दे रहा है। हर व्यक्ति का कार्य पहले बटा हुआ था, लेकिन पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं होने के कारण हमारा विकास नहीं हो सका। अब क्योंकि हमको पढ़ने लिखने का अधिकार मिल चुका है, उस अधिकार का हमें भरपूर लाभ उठाना है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करना है, और अच्छे ऊंचे स्थान पर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, IPS अफसर, IFS अफसर, बड़े बड़े कॉलेजों में प्रोफेसर, जिला शिक्षा अधिकारी, विकास शिक्षा अधिकारी, ऐसे उच्च पदों पर बनने के लिए हमको खूब मेहनत करनी होगी। और खूब मेहनत करके अभी से मन में बना लीजिए कि मेरे को ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, ठीक, पुलिस अधीक्षक बनना है, डिप्टी कलेक्टर।